हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के कुमारी शैलजा पर दिए गए विवादित बयान पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा जलाया गया रामविलास शर्मा का पुतला। अगर शिक्षा मंत्री ने अपने दिए गए बयान पर कुमारी शैलजा से माफी नहीं मांगी तो सीएम खट्टर के आवास तक गधा रैली निकाली जाएगी। अमित शाह की फ्लॉप रैली में हरियाणा के शिक्षा मंत्री का अमित शाह से परिचय करवाते हुए अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया के बारे में कहा कि रतनलाल कटारिया ने अंबाला लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को धगर नदी में डुबोया है। रामविलास शर्मा के इस बयान का कांग्रेस के कार्यकर्ता ने विरोध किया और यमुनानगर के लघु सचिवालय के बाहर विरोध स्वरूप उसका पुतला जलाया है। उन्होंने मांग की है कि जब तक रामविलास शर्मा कुमारी शैलजा से माफी नहीं मांगेंगे तो उसके विरोध गधा रैली निकाली जाएगी जो कि यहां से होती हुई सीएम के घर तक जाएगी। ये भारत का दुर्भाग्य है और हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है कि आज जो देश में ऐसे लोगों को जो शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन किया गया है मौजूदा हरियाणा सरकार द्वारा, जिन्हें महिलाओं के बारे में दो शब्द कहने के लिए अगर मिले तो वो ऐसी पूर्णता जो है महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। आज जो हमने ये पुतला फूंका है उसका मुख्य कारण है कि अभी जीती रैली थी अमित शाह की, और अमित शाह की रैली पूरी फ्लॉप रही है सारा देश जानता है। लेकिन जो वहाँ के रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अमित शाह के अपने ऊपर नंबर बनाते हुए उन्होंने जो कुमारी शैलजा जी को एक बात कही, रतन लाल कटारिया का परिचय देते उन्होंने बात करी कि रतन लाल कटारिया ये वो शख्स है जिसने कुमारी शैलजा को जो है गग्गर नदी में डुबो दिया और कहकर जो है बहन कुमारी शैलजा को अपमानित किया, प्रदेश की बेटियों को अपमानित करा, महिलाओं को अपमानित करने का पूरा काम किया। मैं आज मीडिया के माध्यम से बता दूं कि कुमारी शैलजा ये प्रदेश की वो बेटी है कि जिसने रतनलाल कटारिया को दो बार जो है अंबाला लोकसभा से धूल चटाई हुई है। रामविलास शर्मा अपने इन जो शब्दों का जिन्होंने प्रयोग करा है हम उसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये बता दें कि अगर रामविलास शर्मा जल्द से जल्द अगर माफी नहीं मांगता तो पूरे प्रदेश में हम लोग गदा यात्रा चलाएंगे और जिसकी आज छोटी सी हमने झलकी आपको दिखाई है कि गदा यात्रा हम लोग निकाल लेंगे और पूरे प्रदेश में से होते हुए चंडीगढ़ जो है मुख्यमंत्री के घर तक वो गदा यात्रा चलेगी अगर रामविलास शर्मा जी ने जल्द से जल्द माफी नहीं मांगी।